मैं यहाँ 400 सालों से मेडिटेट कर रहा हूँ, तुम्हें ये कैंप यहाँ से हटाना होगा। मेरे निर्देश समझने हो तो सामने वाले पहाड़ पर चले आओ। कौन है ये साधु? इन्हें मेरा नाम कैसे पता? और अगर ये यहाँ है तो इनकी आवाज मुझे कैंप में कैसे सुनाई दे? बर्फ की चादर से ढकी भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत और दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है हिमालय। हिमालय अपनी खूबसूरत वादियों और शुद्ध हवाओं के अलावा कई किस्से, कहानियों और मिस्ट्रीज़ के लिए भी जाने जाते हैं। हिमालय में बसे कैलाश पर्वत और उससे जुड़े रहस्यों पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। कैलाश पर्वत तो हिमालय का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा है ही, पर ऐसे कई और पर्वत बसते हैं इस विशाल हिमालयन माउंटेन रेंज में। हिमालय के इन छोटे बड़े पर्वतों के बीच छुपी हुई है कई हैरान कर देने वाली स्टोरीज। साल 2015 की बात है, जब हिमालय की एक चोटी पर एक टिबेटन मॉन्क लामा थपसर 7 दिन के लिए एक गहरी मेडिटेटिव स्टेट में थे। जब वो ध्यान कर रहे थे, उनकी कई सारी तस्वीरें ली गई थी। इन तस्वीरों के मुताबिक हर दिन उनका शरीर धीरे धीरे साइज में छोटा होता जा रहा था, जैसे उनका शरीर समय के साथ साथ हवा में घुलता जा रहा हो। और ऐसा होते होते अंत में वहाँ सिर्फ एक रोशनी की किरण ही रह गई थी। डॉक्टर एसा हर्शोफ एक वेल नोन माइंड बॉडी मेडिसिन प्रैक्टिशनर हैं, जो कहते हैं कि इस तरह की गहरी ध्यान मुद्रा में जाने से एक व्यक्ति का शरीर अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, इन 5 एलिमेंट्स में मिल जाता है। जिस मेडिटेटिव स्टेट में लामा थपसर बैठे थे, वो 10,000 साल पुरानी मेडिटेटिव प्रैक्टिस है। माना जाता है कि इस मेडिटेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने वाले मंक्स अपनी फिजिकल बॉडी से पूरी तरह डिटैच होकर लाइट के फॉर्म में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक ऐसी जगह जो एक डिफरेंट रियल्म ऑफ रियलिटी में है, एक ऐसी जगह जहाँ फिजिकली जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कहानियों की माने तो इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने का रास्ता हिमालय से शुरू होता है। इस स्पिरिचुअल दुनिया के कई सारे नाम हैं, जैसे सिद्धाश्रम, शांग्रीला और किंगडम ऑफ शंभाला, पर आज इसे पॉपुलरली ज्ञानगंज कहा जाता है। बुद्धिस्ट, तिब्बतन और हिंदू कल्चर में भी ज्ञानगंज से कई लेजेंड्स और कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। ज्ञानगंज की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कई सालों से चली आ रही है, पर कोई भी टेक्नोलॉजी या सैटेलाइट इस जगह को आज तक लोकेट नहीं कर पाई। ऐसे ही एक अटेम्प्ट में 1920s में USA ने एक रशियन कपल निकोलस और हेलेना रोरिक को स्पॉन्सर करके इस जगह को ढूंढने भेजा था। ये कपल स्पिरिचुअलिटी और ज्ञानगंज की एग्जिस्टेंस पर काफ़ी स्ट्रांगली बिलीव करता था। उनके 5 साल के एक्सपेडिशन में उन्होंने अपने टिबेटन हिमालयस की जर्नी को डायरीज में रिकॉर्ड किया। कहा जाता है कि इस एक्सपेडिशन के वक्त सोवियत, ब्रिटिश और अमेरिकन इंटेलिजेंस इस कपल को सीक्रेटली फॉलो कर रहा था, बट वो कपल अचानक से गायब हो गया। पूरे 12 महीने गायब रहने के बाद वापस आने पर उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। निकोलस की एक और चौंका देने वाली डायरी एंट्री से ये डाउट होने लगा कि शायद वो ज्ञानगंज के काफ़ी करीब पहुंच गए थे। वो अपनी डायरी एंट्री में लिखते हैं, उइमो की एक रिमोट वैली में हमारी मुलाकात एक मंक से हुई। वो हमें एक मंदिर के पीछे वाली बड़ी केव में लेके गए, जहाँ एक रास्ता स्टोन से ढका हुआ था। मंक ने हमें बताया कि वो ज्ञानगंज का एंट्रेंस है और हमें वहाँ जाने से मना किया। 1933 में जब ये कपल अपने सेकेंड हिमालयन एक्सपेडिशन पर गया, तब वहाँ उनकी मुलाकात एक स्पिरिचुअल लीडर से हुई। इन स्पिरिचुअल लीडर ने उन्हें एक पत्थर दिया जो कि चिंतामणि स्टोन का एक छोटा सा टुकड़ा था। टिबेटन्स बिलीव दैट इस स्टोन के किसी भी एक टुकड़े से एक स्पिरिचुअली अवेयर इंसान ज्ञानगंज को फिजिकली एक्सेस कर सकता है। ज्ञानगंज को द लैंड ऑफ इमॉर्टल बीइंग्स भी कहा जाता है। इस जगह से ऐसी कई कहानियां जुड़ी हुई हैं जो कहती हैं ऐसे बहुत मंक्स और साधुज इस जगह पे सदियों से मेडिटेट कर रहे हैं, और वो अपने डिसाइपल्स को यहाँ बुलाकर उन्हें स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट का रास्ता दिखाते हैं। पर क्या इमॉर्टल बीइंग्स सच में हो सकते हैं? वेल, बिलीवर्स तो ये ज़रूर मानते हैं कि हिमालय पे ऐसे साधु रहते हैं जो शायद हमसे कई ज़्यादा स्पिरिचुअली एडवांस्ड हैं। 1942 में वेस्टर्न कमांड के एक ऑफिसर LP फैरल किंग ऑफ कुमाओं के इन्विटेशन पर हिमालयाज में पिकनिक के लिए गए। रात के लगभग 3:30 बजे LP फैरल को एक आवाज़ सुनाई दी।
तुम्हें ये कैंप यहाँ से हटाना होगा। मेरे निर्देश समझने हो तो सामने वाले पहाड़ पर चले आओ। उठने पर मिस्टर फेरल को एक परछाई दिखने का आभास हुआ, पर वहाँ कोई नहीं था। वो बेचैन हो गए। वो कैंप से बाहर निकल पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें रियलाइज हुआ कि वो रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था, फिर भी वो बढ़ते रहे। मिस्टर फेरल उस आवाज़ को फॉलो करके वहाँ पहुँचे। वहाँ उनकी मुलाकात एक साधु से हुई, हु वॉज लुकिंग सिंपल येट डिवाइन एट द सेम टाइम। कौन है ये साधु? इन्हें मेरा नाम कैसे पता? और अगर ये यहाँ हैं तो इनकी आवाज़ मुझे कैंप में कैसे सुनाई दी? ऐसे कई सवाल मिस्टर फेरल के मन में आए। 1959 में हिंदू साप्ताहिक के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करते हुए मिस्टर फेरल ने बताया कि साधु जी से बात करते वक्त उन्हें एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील हुआ, और जैसे ही बात करते समय साधु जी ने उनकी पीठ पर हाथ रखा, उन्हें एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई, जैसे कि उनकी बॉडी की सारी थकावट, सारा दर्द गायब हो चुका हो। ऐसा ही एक और एक्सपीरियंस रिसेंटली फेमस ऑथर डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई ने शेयर किया। डॉक्टर पिल्लई उनकी हिमालय की यात्रा पर अपने स्पिरिचुअल मेंटर के साथ एक साधु जी से मिले। स्पिरिचुअल मेंटर और साधु जी बात कर रहे थे, तब डॉक्टर पिल्लई ने साधु जी को बोलते सुना, मैं यहाँ 400 सालों से मेडिटेट कर रहा हूँ। तो क्या वो साधु जी एक इमॉर्टल बीइंग थे जो वहाँ बरसों से मेडिटेट कर रहे थे? हिमालय में 100 से भी ज़्यादा पर्वत स्थित हैं। उन्हीं पर्वतों में से एक है चाइना और भूटान के बॉर्डर पे बसा गैंगर पनसम। समुद्र के स्तर से 7,570 मीटर्स ऊपर गैंगर पनसम दुनिया का सबसे ऊंचा अनक्लाइम्ड पर्वत है। लोकल्स का मानना है कि ये माउंटेन हिमालय के सबसे पवित्र जगहों में से एक है, और भगवान खुद इस पर्वत पर रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी वजह से कोई इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाता, क्योंकि वहाँ रहने वाले देवता नहीं चाहते कि वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति पहुँचे जिसने जीवन में बुरे काम किए हों। 1994 में भूटान गवर्नमेंट ने 6,000 मीटर से ऊंचे पहाड़ की माउंटेनियरिंग को बैन करने का लॉ पास किया, और 2004 में माउंटेनियरिंग को पूरी तरह बैन कर दिया। लोकल्स इस बात से काफ़ी खुश हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि गवर्नमेंट फाइनली उनके स्पिरिचुअल बिलीव्स का रिस्पेक्ट कर रही है। बट गवर्नमेंट के इस डिसीजन के बाद काफ़ी कंस्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आने लगी। उनमें से एक सिग्निफिकेंट थ्योरी ये थी कि एलियंस ने इस माउंटेन पे अपना बेस बना लिया है। इस थ्योरी को और बढ़ावा तब मिला जब लोकल्स ये क्लेम करने लगे कि उन्होंने माउंटेन के अराउंड मिस्टीरियस लाइट्स और एक यूएफओ जैसी सिल्वर डिस्क को स्पॉट किया है। हिमालय से एलियंस के एग्जिस्टेंस का जुड़ना कोई नई बात नहीं है। यहाँ तक कि 1920s के एक्सपेडिशन के वक्त निकोलस और हेलेना रूरिक की डायरी के एंट्रीज में भी एक यूएफओ साइटिंग का मेंशन है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर लेक में स्पॉट की गई मिस्टीरियस लाइट्स को भी एलियंस के प्रेजेंस से जोड़ा गया है। हिमालयाज का 20% पार्ट अभी अनएक्सप्लोर्ड है। ऐसा माना जाता है कि इस अनएक्सप्लोर्ड पार्ट में ना ही सिर्फ रहस्यमयी जगह है, पर कई रहस्यमयी प्राणियों का भी वास है। ऐसे में सबसे ज़्यादा चर्चे येति के हैं। येति एक ऐसा क्रीचर जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ होता है। इट इज़ सेड दैट येति हैज़ फीचर्स एंड मैनरिज्म्स लाइक अ मंकी। सदियों से येति नेपालीज और टिबेटन लेजेंड्स का पार्ट रहा है। नेपाल और भूटान के लोग आज भी येति की एग्जिस्टेंस पर यकीन करते हैं। यहाँ येति को एक बैड लक मानते हैं, और ऐसे कहा जाता है कि जो भी येति को देख ले उसके जीवन में कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होता है। पर इस बिलीव को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला एक एक्सपीरियंस योगी श्री मधुकर नाथ जी ने शेयर किया था। योगी जी अपने गुरु के साथ एक अनयूजुअल रूट से कैलाश जा रहे थे। रास्ते में उन्हें तेज बुखार हुआ और वो एक गांव में रुक गए। आधी रात को उनकी नींद खुली और उन्होंने देखा कि एक ह्यूज फरी क्रीचर उनके रूम में है। डर से तो वो कुछ बोल नहीं पाए, पर उस क्रीचर ने उनको एक हर्ब खिलाया। उसके बाद उनका बुखार कुछ ही घंटों में गायब हो गया। उनके गुरुजी ने उनको बताया कि वो क्रीचर एक येति था। गुरुजी का ये मानना था कि येतीज आर गुड क्रीचर्स जो लोगों की हेल्प करते हैं। येति की कहानियाँ 1920s से मशहूर है, और उनकी खोज 1950s में शुरू हो गई थी जब ब्रिटिश एक्सप्लोरर एरिक शिप्टन को माउंट एवरेस्ट पे एबनॉर्मली लार्ज फुटप्रिंट्स मिले थे। 2019 में इंडियन आर्मी के हिमालयन एक्सपेडिशन के वक्त आर्मी की टीम को नेपाल के मकालू कैंप बेस के पास 3.5 फीट के फुटप्रिंट्स दिखे थे, जिसका फोटोग्राफिक एविडेंस भी है।
ऐसे लगभग 50 फुटप्रिंट्स इंडियन आर्मी ने स्पॉट किए थे जो माउंट मकालू पर काफ़ी दूर तक जा रहे थे। ये फुटप्रिंट्स येती के थे या फिर सिर्फ किसी बड़े एनिमल के, इस पर तो अभी तक डिबेट्स चल रही हैं। हिमालय ऐसे रहस्यों से भरा हुआ है जिन्हें हम सदियों से किस्से कहानियों के रूप में सुनते आ रहे हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस या किस्सा हो हिमालय के बारे में तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए राज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।